हेलो एवरीवन, दिस इज भास्कर। बीफिन में आपका स्वागत है। इधर आज 5 तारीख है और हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है स्विंग ट्रेडिंग का, 21 डेज चैलेंज फॉर स्विंग ट्रेडिंग। कल हमने आपको बताया था गेल, और आप ब्लॉग पे जाके भी इसको देख सकते हैं, यूट्यूब में देख ही सकते हैं। ब्लॉग पे मैंने गेल का हैवल्स के बारे में पिछले उसमें लिखा था, और अभी गेल के बारे में थोड़ा लिखा हुआ है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, दिस इज़ जस्ट अबाउट द कंपनी एंड ऑल। ठीक है, तो गेल का चार्ट देखते हैं। गेल का प्राइस अभी 602 रुपीज़, सॉरी कैन बैंक का प्राइस अभी 602 रुपीज़ 45 पैसे है। ये आपको 21 डेज चैलेंज में आज 5th ऑफ फेबरी है, आज मैं इसको रेकमेंड कर रहा हूँ। बाई या सेल के लिए नहीं, ऑब्जर्वेशन के लिए, लर्निंग पर्पज़ के लिए। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, सो डोंट टेक माई रिकमेंडेशन एज बाइंग और सेलिंग एडवाइस। दीज आर जस्ट फॉर लर्निंग पर्पज, सिर्फ सीखने के लिए। ठीक है, तो ये 21 डेज का चैलेंज का मतलब क्या है? मैं कह रहा हूँ कि 21 डेज में ये 5-10% रिटर्न दे सकते हैं, हम देखेंगे कैसा रहता है। ठीक है, तो ये हमारा व्यू है। अब कुछ चीज़ें जो जानना ज़रूरी है, यहाँ पे अगर आप कोई भी अपना वो डालें, इंडिकेटर डालें, तो उससे जो आप फॉलो करते हैं उससे पता चल जाता है। मैं आपको सिंपल प्राइस एक्शन पे ही बता रहा हूँ कि लुक एट दिस, हायर हाई हायर लो, 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 हायर हाई। और ये जो है इसको हम इंड्यूसमेंट कह सकते हैं, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होता, ये इंड्यूसमेंट होता। ये जो मैं अभी वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ ये थोड़ा डीप में है, वो सोचने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। सिर्फ इतना समझना है कि इस जगह के बाद इसमें दो अपॉर्चुनिटीज़ बनते हैं, एक यहाँ पे और एक ब्रेकआउट पे। तो यहाँ पे जिन्होंने लिया है उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया है, जिन्होंने नहीं लिया है वो अभी ले सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ द क्वेश्चन इज के ब्रेकआउट में आप तो बता रहे हो कि ब्रेकआउट पे यहाँ पे लेना था, तो यहाँ पे अगर लेना है तो वो कैसे सीख सकते हैं? वो सीखने के लिए आपको मेंटरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा। वो मेंटरशिप आपको कम से कम 2 या 3 महीने का मेंटरशिप होता है, तो ये मैं यहाँ पे आपको नहीं बता सकता, लेकिन क्योंकि वो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा उसमें। लेकिन अभी के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, देर आर टू वेज टू ट्रेड इन स्विंग मार्केट और एनी मार्केट। वन इज बाय हाई, सेल हायर, और दूसरा है बाय लो एंड सेल हायर। ठीक है ना, तो हमने बाय लो सेल हायर के लिए हमें मेंटरशिप की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत कुछ सीखना और प्रैक्टिस करना मेंटर के साथ ज़रूरी है। लेकिन बाय हाई सेल के लिए ये मोमेंटम ट्रेड होता है। मोमेंटम ट्रेड का मतलब है कि प्राइस यहाँ पे आ चुका है, अगले 2-3 दिनों में ये फास्ट मूव ऊपर की तरफ दे सकता है, और हम 21 डेज का टारगेट कर रहे हैं 5-10%। अगर ये नीचे आए तो इस लेवल पर भी हम देख सकते हैं एक बाई बन सकता है। कल हमने क्या बताया था, गेल, उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए, गेल को हमने यहाँ पे बताया था, इसको थोड़ा सा साइड कर दूँ ताकि आपको समझ में आए। कल हमने गेल का ये दिया था, और गेल अगर हमने कल बताया था, कल शाम में बताया था, तो आप यहाँ पे तो पकड़ नहीं सकते, आपको यहाँ पे ही पकड़ना होता एटलीस्ट आज के ओपन के पास। और मैंने बताया भी था कहाँ पे एंट्री करनी है वगैरह वगैरह। तो आज के दिन में ये देखिए कितना मूव किया है, उसको समझिए ज़रा। ये आज के दिन में 2-2.5% के आसपास मूव कर चुका है, और हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, 21 दिनों में ये 5-10% रिटर्न दे दे ऊपर की तरफ, वो काफ़ी होगा। 5-10% का मतलब है जैसे यहाँ पे निकला था, तो यहाँ से 5% कहाँ पे होता है, ये आपका 5% हो जाता है, और ये जो मूव है ये 10% हो जाता है। ठीक है, तो इतना मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गेल में। और आज का जो स्टॉक है वो है कैन बी के, कैनरा बैंक। तो इसको आप ज़रूर ऑब्जर्व करें,
और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आई एम रेडी टू आंसर. सीखने के लिए कॉन्टैक्ट करें 9830463636. यू हैव अ ग्रेट डे.